अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सज्जाद अमान और आप देख रहे हैं अमान ट्रैवल एंड फूड। हम आज आए हैं रिंग रोड पेशावर के त्रस्कून रेस्टोरेंट में। रिंग रोड पे यहाँ पर नमक मंडी का एक दूसरा शेप ले रहा है और ये नमक मंडी उसी तरह जो है ना मुख्तलिफ खानों के लिए मशहूर है। आज हमारी दोस्तों की गैदरिंग थी फ़िश खाने की, तो हमने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करें। तो आए देखते हैं पहले यहाँ का चस्का, फिर बाकी आगे चलते हैं। अंगारा फिश है जो कि एल्युमिनियम फॉइल में जो है ये बनाते हैं। हमारे बाकी कुलीग्स आ गए जो हमारे टीम मेंबर हैं, सैफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, जो बॉस हैं साकिब साहब, बहुत शानदार पार्टी हो रही थी। और ये है हमारे मटन कढ़ाई का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ये दुम्बे की चटनी। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो जोड़ो रे यार। ये प्लेट रहा है, प्लेट रहा। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है? इसमें चिकन पोटे होता है, चिकन मलाई पोटे होता है, मटर होता है, मटन होता है, फिश होता है, इसमें कबाब होता है। अच्छा, ये कितने सारे कितने बजे के लिए होता है? 7 बजे। जी हशिम भाई, सर बेहतरीन खाना है और सर खत्म हो गया। ये भी अभी खाना नहीं आया, ये सर जो कौन सा खा रहे उधर वो कब पे फोकस है? जी कॉकअप हमारा आ गया है अभी। जी हमने अंगारा फिश ऑर्डर की थी, अब देखते हैं इसका टेस्ट भी देखेंगे। इस साथ में जो है ना ये चिकन है और ग्रिल किया हुआ, के साथ में है तंदूरी नान। ये इन्होंने फिश को दुमरे की लाट में बनाया ना, इसी तरह बिल्कुल लाट है। जैसे बात
नरम है बाकी स्पाइसेस में कोई नहीं है और ये टमाटर वगैरह ये चीज़ें हैं जो कि इसमें मसाले लग रही हैं। अभी हमने ये जो है लिया है चिकन फ्रेश है और काफ़ी जूसी है, इसका देखते हैं अभी जायका। ये रायते में हमने डिप कर दिया है तो देखते हैं इसका कैसा जायका है। वाह जी सर, सब कैसा जायका सर? बहुत ही आला जायका है इसका। अच्छा, मेरे ख्याल अंगारा फिश आपने यहाँ पर पेशावर में पहली दफ़ा टेस्ट किया होगा। जी पहली दफ़ा। थोड़ी सी जो है ना अलग सी टेस्ट है दुबे की लाट के साथ। जी बिल्कुल। लाट ये हमारे हैं शेफ भाई जो हमारे कुकिंग हमारे जो है फूड फूड मैनेजमेंट। तो शेफ भाई आपका क्या फीडबैक है? बहुत ज़बरदस्त फिश बनी हुई है, चिकन भी बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, माशाल्लाह बहुत टेस्टी है। आप भी आएँ। ये अभी हमारे पास आ गए हैं, काफ़ी आप देख रहे हैं धुएँ उठ रहे हैं इससे। तो ये जो है ना अभी ये अंगारा फिश है जो कि मतलब है कि दुम्बे की चर्बी में बनी हुई है। तो अभी इसका चेंज करते हैं कैसा है। इसमें बाकी कोई ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह तो डाली नहीं है, इसमें सिर्फ यही इसकी जो है ना मतलब दुम्बे की चर्बी, साथ में जो है ना कुछ दलहन मिर्च और जो इनके रूटीन के स्पाइसेस होते हैं वो डालें। बिल्कुल एक यूनिक सा टेस्ट है, बिल्कुल डिफरेंट, इसलिए कि रूटीन में हम अगर फ्राई खाते हैं या बारबेक्यू में खाते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, इसका उससे काफ़ी मुख्तलिफ है। इसमें जो ये हरी मिर्च डाली है या इसके साथ जो है ये ऊपर जो मसाले की लेयर है ये अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो इस लेयर का जो है फिर अपना बहुत मज़ा है। पेशावर आई का अंगारा फिश जो है ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन इसमें असल जो खाने की चीज़ है ना वो ये चीज़ है। इसका अपना ही मज़ा मज़ा साहब ने खाना तो हमने खा लिया। अब उसके बाद एक मस्ट ट्राई आइटम है वो है पेशावरी कहवा, वो भी आ गया है। ये कहवे का दूध चल रहा है। ग्रीन टी का आप लोगों ने ये एक नोट किया होगा, पेशावर में इस इन प्यालियों में ग्रीन टी सर्व करते हैं। तो इन प्यालियों का जो है ना मतलब ये कि यहाँ पर ये रिवायती भी है और इसमें जो है ना अपना एक मज़ा होता, तो बहुत मज़ा आया और हमने काफ़ी इंजॉय किया अंगारा की फिश की यहाँ पर। इसके बाद जो है ना अभी ये इसका खाने का अख्तितम होता है हमारे इस ग्रीन टी पे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर जो है ना लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। दूसरी बात, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।